फाइनली जो है अब हम मेट्रो के लिए जा रहे हैं। हमारा अगला स्टेशन जो है देखते हैं कौन सा है, वहाँ पे जो है खाने का ऑप्शन है, इनको पाव भाजी खाने के लिए जाना है। तो कई देर से हम घूम रहे थे तो किसी ने बताया कि पाव भाजी मेट्रो स्टेशन पे है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये मुंबई मेट्रो की टिकट है, अब हम जा रहे हैं साकी नाका। इस साइड से अब हम पाव भाजी खाने के लिए नेक्स्ट स्टेशन जा रहे हैं साकी नाका। हमारे को मेट्रो जो है वो तो निकल गई है, अब दूसरी मेट्रो का वेट कर रहे हैं हम, यहाँ से आएगी मेट्रो। और अब हम यहाँ हमें इस साइड जाना है, बिल्कुल यहाँ सामने मेट्रो का जो एक्सपीरियंस है ना मेट्रो स्टेशन का, वो दिल्ली के जैसा ही है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ। इस साइड में भी ऐसा है, अंदर देखते हैं कैसा रहेगा। तो सामने जो है ना मेट्रो आ रही है, अब हम इसमें ही बैठेंगे, देखते हैं। अगले स्टेशन जाना पकड़ लो। अच्छा ये एयरपोर्ट वाली है। तो दो मिनट के अंदर, एक मिनट भी नहीं लगा और मेट्रो आ गए। मेट्रो जो है साफ है, नीट एंड क्लीन है। ये जो है एयरपोर्ट रोड, मतलब एयरपोर्ट जाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इस लाइन को। देखियो एयरपोर्ट लाइन है। तो हमारा स्टेशन आ चुका है, चलिए उतरते हैं। सब उतर रहे हैं ट्रेन।
तो दोस्तों भीड़ का आलम जो है यहाँ पे भी कम नहीं है मुंबई में। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से लगी हुई है, और यहाँ पे तो जो है ना 10-15 मिनट तक वेट करते रहते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पीछे, और सुबह से ही बारिश हो रही है। हम जब गोवा से मुंबई आए थे ना, तो तब से बारिश ही हो रही है लगातार, और अगले 2 दिन तक मैंने ऑनलाइन चेक किया तो अगले 2 दिन तक जो है मुंबई में बारिश रहने वाली है। तो इस चक्कर में हम कहीं घूमने नहीं गए, और यहाँ पे तो बारिश का कोई भी असर नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो चले ही जा रहे हैं लोग, चले ही जा रहे हैं। हम दिल्ली में क्या करते हैं, बारिश आती है तो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। बाकी हम जो है लोकल जो मार्केट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं खाने के लिए, बाकी आपको दिखाते हैं आगे, देखते रहिए वीडियो को। कैसी लगी बेल? अच्छी है, पता है इसमें ना ये चम्मच है। चम्मच है ये? अच्छा, मैं ऐसे निकाला। टेस्टी है। ये खाना है गोलगप्पे? भैया गोलगप्पे भी खिलाना। तो जैसी हमें बेल चाहिए थी ना, वैसी वो बेल है। हम गोवा में देखी, लेकिन गोवा में मज़ा नहीं आया, यहाँ टेस्ट ही अलग है। मुंबई में रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, सुदर्शन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बड़ा फेमस है, काफ़ी पूछते पूछते आए हैं, बड़ी 15 से 20 मिनट में पहुँचे हैं। तो और बन के देखते हैं कैसे कैसे। कैसी थी? अच्छी थी, जैसे मगर बनाते हैं वैसे ही टेस्ट था। ओह, ये तो साफ़ कर दिया आपने, वेरी गुड। अच्छी थी ये ना। तो फाइनली जो है भाजी और पाव मुंबई में खाने का मज़ा ही कुछ, मज़ा आ गया। तो फाइनली जो है हमने पाव भाजी खा ली है, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी। तो इनसे पूछते हैं रिव्यू कैसी थी? जैसे मैं घर पर बनाते ना वैसे थी, बट हाँ पाव जो थे ना बहुत ज़्यादा बटर में डिप थे, बिल्कुल हैवी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। पाव जो है ना इतना भारी कर दिया था, मक्खन में डाल के उठ भी नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने उठाया। उसी कैपेसिटी नहीं थी उठने की। हाँ, अब जो है फिनिश हो चुका है, तो चलिए बाहर चलते हैं।